वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब। और आज है 16 चैप्टर को सीखना है और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हेरिडिटी है, वेरिएशन है, तो जाहिर सी बात है जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी। एंड यस, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब सीखने वाले हैं हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और यस, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा फुल ऑफ नॉलेज है, जिससे आप जेनेटिक्स का बेस कैसे रखा गया वो सीखेंगे। एंड एट द एंड जब हम क्रोमोसोम, जब जीन, जब हेरिडिटी, इनहेरिटेंस के बारे में जान लेंगे, तो उनसे होने वाली बीमारियों, मतलब उनसे होने वाली डिजीज, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में सीखेंगे। सो दिस इज द सीक्वेंस विच वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेरिडिटी। अब इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड डीएनए, ऑल थ्री थिंग्स आर कनेक्टेड। अब कैसे कनेक्टेड है, यही हमारी केस स्टडी है। और इन सब का क्या असर है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस डीएनए, दिस हेरिडिटी, द जेनेटिक्स ऑन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वही आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बिफोर मूविंग अहेड विद जेनेटिक्स, लेट्स क्विकली ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर स्लाइड। अब इसमें आप देखोगे फेशियल फीचर्स अलग हैं, हर किसी का नोज, लिप्स भी अलग होते हैं, अटैचमेंट ऑफ ईयर लोब्स कई के अटैच होते हैं, कई के नहीं होते। ये क्यों होते हैं, कईयों में, कई के माँ और मम्मी पापा दोनों में, एक में अटैच होता है एक में। फॉर एग्जाम्पल, मदर के पास अटैच ईयर लोब्स हैं, फादर के पास नहीं, बट द ऑफस्प्रिंग चाइल्ड के पास अटैच है। तो कौन सी जीन असर दिखाई और क्यों दिखाई, ये भी जेनेटिक्स का में ही है ना। हेयर लाइन कैसी है, मतलब ये भी एक टाइप का स्पेशल फीचर है जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू दिस इमेज, इसमें सबके फेशियल कलर अलग हैं, कोई डार्क स्किन का है, कोई लाइट स्किन का है, सबके मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी है। सो यू कैन से कलर ऑफ द स्किन, शेप ऑफ फेस, हाइट, कलर, कलर ऑफ आईज, सब कुछ अलग है। क्यों अलग है, जेनेटिक्स जीन, ये तो अभी आपको पता है ना जीन, पर जब रिसर्च स्टार्ट हुई होगी, जीन को ढूंढा, मतलब उस चीज को ढूंढा जा रहा होगा जो डाइवर्सिटी या आई कैन से इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या हुआ होगा, वो मेंडल एक्सपेरिमेंट में हम सीखने वाले हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ दीज पॉइंट्स आई विल टेक कलर ऑफ द स्किन। व्हाई, कलर ऑफ स्किन में कई लोगों का डार्क होता है, कई लोग लाइट स्किन के होते हैं, क्यों ऐसा क्यों? यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, ब्लैक पिगमेंट दैट इज नोन एज मेलनिन। जो डार्क स्किन वाले होते हैं उनमें ये मेलनिन कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लाइट स्किन। अब जो डार्क स्किन है और ये अब ये ब्लैक पिगमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्यों हो रहा होगा, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है यूवी सनलाइट से और स्किन को। तो अब जो लाइट स्किन वाले रहते हैं एक्चुअली उसमें मेलनिन कंटेंट कम होता है एंड डार्क स्किन में ज्यादा होता है। दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड द डार्क स्किन एंड लाइट स्किन। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है कि वो अलग क्यों दिखते हैं या ये लाइट स्किन वाले अलग क्यों है, बिकॉज ऑफ द मेलनिन। तो ये अभी मेलनिन जो है ब्लैक पिगमेंट, तो कोई सेल इसको प्रोड्यूस करता होगा। तो यस, सेल में क्या है, कुछ तो है न्यूक्लियर पार्ट, वहां से ये मेलनिन का सिग्नल आता है। वेदर इट विल बी मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन द सेल को क्या उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। वी विल कम टू दिस पॉइंट इन कमिंग स्लाइड्स ओनली। लेट्स स्टार्ट नाउ अनदर क्वेश्चन विच दीज कैट, दीज क्यूट कैट्स आर आस्किंग यू दैट व्हाई वी आर सो डिफरेंट, कलर क्यों अलग है। ये सब सिबलिंग्स हैं ना, मैं आपको बता दूं ये सब क्यों अलग है, कोई ब्राउन है, कोई ब्लैक है, किसी की आईज ऐसी है, ये पूछ रहे हैं आपसे व्हाई वी आर सो डिफरेंट, बिकॉज दे डोंट नो ना
दे आर नॉट, आपके से स्मार्ट नहीं है जैसे आप स्मार्ट हो, आप 9th की बुक पढ़ रहे हो ना, उन्होंने नहीं पढ़ाई की है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हम ऐसे क्यों डिफरेंट है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी केस स्टडी है और इन्हीं का आंसर आज आपको देखना है, आपको सीखना है, क्योंकि इनको अगर आपको आंसर करना है तो आपको जीन और जेनेटिक्स जानना होगा। एंड एज अ टीचर आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई एम गोइंग टू गिव यू अ हिंट। हिंट मैं आपको ये दे रही हूँ कि इट्स इन द जीन, ठीक है। ये कैट्स आपको क्वेश्चन पूछ रही हैं, मेरे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछ रही हैं, व्हाई वी आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, गिव अस द आंसर, यू हैव टू आंसर। एंड एज अ टीचर आई एम हेल्पिंग यू। मैं क्या हिंट मैंने आपको दिया, इट्स इन द जीन, आई हैव रिटन। नाउ अब मैंने आपको जीन का हिंट दे दिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे जीन को ढूंढना, जीन कहां पर है। तो कैन वी स्टार्ट? यस वी हैव टू स्टार्ट। टर्न योर बुक ऑल्सो इन बिटवीन। नाउ जेनेटिक्स, अब आपको जीन मैंने हिंट दे दिया है तो जेनेटिक्स आपको पढ़ना ही होगा, ऑप्शन है नहीं है ना, पढ़ना होगा। अब जेनेटिक्स क्या होती है? बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच है, जैसे आपके साइंस, साइंस जब आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारी ब्रांच है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसी तरीके से बायोलॉजी में एक और ब्रांच है जिसको बोलते हैं, जो डील करती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब पेरेंट से बच्चे में जो जीन, मतलब जो कैरेक्टर्स दिखते हैं सिमिलर, इवन इन एडिशन टू सिमिलर कैरेक्टर कौन से अलग कैरेक्टर्स भी दिखते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। अब कौन से कलर देख सकते हो? आई कलर डेफिनेटली, हेयर कलर, हाइट, बॉडी वेट, ब्लड टाइप्स, इंटेलिजेंस कैसा है, ये सब कहाँ से आएगा, आपको कहाँ से मिला है? आपके पेरेंट्स से, आपके जनरेशन से। और ये यहाँ पे सरप्राइजिंगली मैं ऐड कर रही हूँ एक बार कि आप पर आपके जो कैरेक्टर्स हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि मदर और फादर के से भी सिमिलर होंगे, मे बी दादा दादी, नाना नानी, बिकॉज ये जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर है, मम्मी पापा ने कहाँ से लेकर आए, वो कहाँ से ट्रांसफर लिए होंगे, दादा दादी, मम्मी ने नाना नानी से लिए होंगे, तो ये सब मिक्स्ड होते हैं और आप पर असर दिख रहा है। इनकमिंग जनरेशन आप भी एक जीन, आप भी एक कैरेक्टर किसी को ट्रांसफर करने वाले। सो लेट समराइज दिस स्लाइड अगेन। जेनेटिक्स इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज गोइंग टू डील विद द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट पर्टिकुलर ब्रांच नोन एज जेनेटिक्स। अब कौन से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो भी सीख लो, आई कलर, हेयर कलर, बॉडी बिल्ड, ब्लड टाइप, एवरीथिंग, इंटेलिजेंस आपका। नाउ लेट्स मूव अहेड। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को मैं हिंदी में अगर बोलूं, इनहेरिटेंस मतलब प्राप्त किया, मिला, मम्मी से मुझे मिला ये कैरेक्टर, पिताजी से मुझे ये मिला, इनहेरिटेंस, आई हैव एक्वायर्ड दिस कैरेक्टर, सो दैट इज इनहेरिटेंस। न्यू प्रोजेनी इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, डेफिनेटली आइदर इट विल बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सेक्सुअल में होगा, दोनों के अपने अलग अलग एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, जो आप अपनी 10th क्लास में सीखने वाले हो। बट अभी यहाँ पे याद रखो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे गैमेट का फ्यूजन होगा, एंड एसेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माइनर डिफरेंसेस द ऑफस्प्रिंग शो ग्रेट सिमिलैरिटी विद द पेरेंट। कुछ चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं है कि दिख तो आप कार्बन कॉपी अपने मम्मी पापा की दिखोगे, बट यस कुछ डिसिमिलैरिटी होगी, बट या मेजॉरिटी कैरेक्टर आपके मम्मी पापा से। यू ऑल मस्ट हैव वन थिंग आपके अपनी लाइफ में जब कभी कि अरे ये तो अपनी मम्मी पे गया है, ये तो अपने पापा पे गया है। क्यों वो ऐसा बोलते हैं? क्योंकि आप उनकी तरह दिखते हो। और क्यों दिखते हो बच्चों? क्योंकि कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसफर हुए, जो एक्वायर्ड हुए, एंड आई कैन से साइंटिफिकली आपने उनको इनहेरिटेंट किया। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो माइनर वेरिएशन। एसेक्सुअल में क्यों नहीं होगा वेरिएशन?
क्योंकि गैमेट फ्यूजन हुआ ही नहीं, मतलब दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स फ्यूज हुए ही नहीं, तो फिर किस बात का वेरिएशन आएगा? एसेक्सुअल में कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ तो था ही नहीं, तो क्या होगा? जैसा पेरेंट वैसा उसका डॉटर सेल। हाउएवर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंपैरेटिवली ग्रेटर वेरिएशन। अभी इसको इतना डीप में मत समझ, मतलब इतना उसको कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सिर्फ ये एग्जांपल लो, ये अमीबा है, ये काम क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये देखो उसके डॉटर सेल्स भी उसके जैसे दिख रहे हैं, ये सब एसेक्सुअल वाले हैं, सॉरी सेक्सुअल वाले हैं। वेरिएशन है कि नहीं है? क्योंकि गैमेट का फ्यूजन है, गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, मतलब अलग एक नया डाइवर्सिटी हो रही है, तो दैट्स व्हाई यहां पे ज्यादा वेरिएशन है, यहां पे कम। बट यस दे आर नॉट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट, दे आर सिमिलर बिकॉज कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसफर। नाउ हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या भी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जांपल डॉगी का बच्चा जो उसका जो पपी है वो वैसा ही दिखेगा ना, कि वो अचूहे जैसा दिखने लगता है। आप भी ह्यूमन के बच्चे हो तो ह्यूमन जैसे ही दिखोगे कि अलग दिखने लगोगे। तो यस द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इट इज कॉल्ड हेरिडिटी। डोंट गेट कंफ्यूज विद इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर होना, वन के ट्रांसफर होना वन जनरेशन से सेकेंड, और इनहेरिटेंस होता है कुछ कैरेक्टर्स को एक्वायर करना। नाउ इट इज ड्यू टू द हेरिडिटी दैट पपीज आर सिमिलर टू डॉग, योर इन्फेंट्स आर ऑल्सो सिमिलर टू, जो बच्चे रूप में जो रहते हैं वो अपने मम्मी पापा, वो ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस जैसे दिखते हैं, दे डोंट लुक लाइक अ कैट का बच्चा, ऐसा नहीं है। हेरिडिटी कुछ कैरेक्टर्स हैं, ऐसा क्यों होता है? इसीलिए उन बिल्लियों ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, उस उन बिल्लियों के क्वेश्चन को अभी तक भूलना नहीं, और मैंने हिंट क्या दिया है? जीन। हम क्या ढूंढ रहे हैं? जीन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अभी मैं इनहेरिटेंस के बारे में इतना बात कर रही थी, अभी इनहेरिटेंस में एक टाइप होगा, बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, आपने उसमें एक प्लांट उगाया, ग्रो किया, फिर आपने उसके दो तीन सैपलिंग्स डाले और सब अच्छे से ग्रो हो रहा है, पानी दे रहे हो, सब हो रहा है, पर उसमें से कुछ प्लांट फॉर एग्जांपल 1.5 फीट हो गए, कुछ एक फीट के रह गए, कुछ दो फीट के हैं, ऐसा वेरिएशन है हाइट में। क्यों? क्योंकि अभी प्लांट हाइट की बात करें तो क्या होगा, उसमें डेफिनेटली ग्रोथ हॉर्मोन्स होंगे। आप बोलोगे यस मैम उसके कुछ ग्रोथ में प्रॉब्लम है, आप बोलोगे मैम या तो ग्रोथ में वेरिएशन है, इसीलिए तो मैंने क्या बोला, नहीं बच्चों प्लांट हाइट क्या है, इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ हॉर्मोन्स। अब ये ग्रोथ हॉर्मोन कौन बनाता होगा बच्चों? सेल। अब ये स्लाइड को समझना है क्योंकि नेक्स्ट जो हिंट है वो यहीं से मिलने वाला है कि आपको जीन कहाँ मिलने वाली है। तो ये जो प्लांट है थी वहां ग्रोथ हार्मोन हुए, अब ये ग्रोथ हार्मोन बनाएगा कौन? कोई सेल ही बनाएगा डेफिनेटली। अब उस सेल को कैसे, अब वो सेल वो क्या कर रहा है, वो सेल क्या कर रहा है कि ये अगर वो एफिशिएंट बना पाया वो एंजाइम, मतलब वो ग्रोथ हार्मोन अच्छे से बना पाया तो प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी, और अगर नहीं बना पाया तो कम हो जाएगी, रुक जाएगी, हाँ या ना? तो प्लांट हाइट थी, मैंने उसको तुमने पूछा, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन व्हिच गोस कैट्स वेयर आस्किंग यू कि हमें इतना वेरिएशन क्यों है। प्लांट्स भी आपको पूछ रहे हैं कि भाई हमें वेरिएशन क्यों है। तो हमने क्या किया, हम पहले गए ग्रोथ हार्मोन के पास कि तुमने कुछ, तुमने तुम्हारे में वेरिएशन है। ग्रोथ हार्मोन ने बोला नो नो ये एंजाइम है, जो सब कंसर्न एंजाइम उससे प्रॉब्लम हुई होगी। फिर कंसर्न एंजाइम के पास पहुंचे तो उसने बोला मैंने तो उतना ही एंजाइम बनाया जितना सेल ने मुझे बोला। फिर हम सेल के पास पहुंचे तो सेल ने बोला कि नहीं नहीं मैं तो जो मेरा न्यूक्लियर पार्ट है वो जो मुझे बोलता है मैं वही करता हूँ। सो यस दैट इज द हिंट ऑफ द जीन कहां पे है उसका, इसके बारे में। नाउ
इफ सेल, मैं सेल को क्या बोलूंगी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्यों? क्योंकि सेल के पास ही वो सारी अथॉरिटी है कि पूरे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा। इफ यू रिमेम्बर योर हायरार्की ऑफ योर ऑर्गन सिस्टम, आपके कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, तो सेल हुए, सेल से टिश्यू हुए, टिश्यू से क्या हुआ बच्चों, ऑर्गन्स बने, और जब इन ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन हुआ और एक से बातचीत हो रही है तो एक बना ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम के रूप में एक एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म दिखा। तो आई कैन से सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल से ही सब कुछ बना, एंड यस व्हाई फंक्शनल दैट वी आर गोइंग टू लर्न। अब ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, आई विल रफली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक न्यूक्लियर पार्ट है, एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। साइटोप्लाज्मिक पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है, स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रियोल्स है, ये सब कहाँ पे है बच्चों, साइटोप्लाज्मिक पार्ट में। कमिंग टू द न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट में जो है क्या है, आपके क्रोमोसोम्स, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, एंड दैट क्रोमोसोम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। तो यहाँ पे अभी भी जीन नहीं मिला है, अभी क्या मिला, क्रोमोसोम। तो जब हम पहुंचे सेल के पास, तो सेल ने बोला जो मुझे न्यूक्लियर पार्ट बोलता है मैं वो करता हूँ। न्यूक्लियर पार्ट के पास गए, हमने उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम कंट्रोल कर पा रहे हो किसी कैरेक्टर को, तो उसने कहा मेरे पास क्या है, क्रोमोसोम। तुम क्रोमोसोम के बारे में जान लो तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो यस, नाउ हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया, किसको सीखना है हमें, क्रोमोसोम को। फिर अब जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर पार्ट के बारे में बात हुई, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं हॉटस्पॉट। व्हाई हॉटस्पॉट, बिकॉज आपके सारे इंस्ट्रक्शन जो है सब इसके पास है। आपने जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की अभी समझी मेरे साथ कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे सब कौन कंट्रोल कर रहा था बच्चों, सेल, आर यू एग्री विथ मी, एंड देन उसमें भी क्या, न्यूक्लियर पार्ट मतलब न्यूक्लियस, एंड दैट इज द न्यूक्लियस। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक कोडिंग फॉर मेंटेनिंग लाइफ सिस्टम एंड इश्यूइंग कमांड्स एंड ग्रोथ रिप्रोडक्शन। मतलब मैं कहूँ एक लाइन में, मतलब बॉस है सबका, ये कौन, न्यूक्लियर। अब ये बॉस है, बॉस के पास कुछ तो होना चाहिए ऐसा जिससे वो बॉस हो, उसके पास क्या है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इफ यू कैन सी, ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का एक डंबल शेप में कुछ दिख रहा है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अभी भी जीन का पता नहीं चला है, हाँ अभी हमें सिर्फ क्या पता चला है कि जो भी ये जेनेटिक कोडिंग है ना, ये कहीं ना कहीं इस क्रोमोसोम से ही लेना देना है। मैंने आपको हिंट किसका दिया था, जीन का। आप पहुंच क्या गए हैं, क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही है? यस, वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। अभी हमने क्रोमोसोम को ढूंढ लिया है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम क्रोमोसोम के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव। हमने इन बिल्लियों से शुरुआत की, इन बिल्लियों ने हमसे पूछा व्हाई वी आर सो डिफरेंट, और मैंने आपको हिंट क्या दे दिया था, जीन में है। आपका टारगेट क्या हो गया था, जीन को ढूंढना। फिर जीन को ढूंढना था, तो फिर हमने क्या सोचा कि चलो अगर हम जीन को ढूंढने ही चले हैं तो सारे बेसिक्स को पढ़ लें। तो हमने जेनेटिक्स को देखा, जेनेटिक्स क्या थी, स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एग्जांपल्स क्या हो गए, आई कलर, इनहेरिटेंस। फिर इनहेरिटेंस पे आए, इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा, वेरिएशन देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग। फिर हमने हेरिडिटी देखी, हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू सेकेंड कमिंग जनरेशन। फिर हम आए इनहेरिटेड ट्रेंड्स पे, एंड एक्सप्रेशन मतलब दिखेगा कैसे। अब कोई अपना जीन तभी एक्सप्रेस कर, एक्सप्रेस मतलब अपना असर दिखाना, वो तभी एक्सप्रेस कर पाएगी जब उसके सेल में कोडिंग कैसी है। तो सेल हमें यहाँ से पता चल चुका था कि सेल में ही लेना देना है। फिर सेल को हमने इतनी अच्छी साइड में उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट में, एक न्यूक्लियर पार्ट में। फिर हमने सेल को एक्चुअली पूछा था कि सेल व्हाई यू आर डूइंग सो,
मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है आपको कि एक प्लांट की हाइट ऐसी है, एक प्लांट की हाइट कम है, या एक बिल्ली का कलर ऐसा है, दूसरी बिल्ली का कलर ऐसा क्यों है? तो उसने हमें क्या बोला, भाई मैं तो कुछ नहीं करता, न्यूक्लियर से पूछो, न्यूक्लियर पार्ट से पूछो। फिर हम न्यूक्लियर पार्ट के पास पहुंचे तो हमें पता चल गया कि भाई न्यूक्लियस ही हॉटस्पॉट है, और वहां पे हमें पता चला कि कुछ तो जेनेटिक कोडिंग के लिए वहां पर रखा हुआ है। एंड न्यूक्लियर ने हमें बता दिया, न्यूक्लियस पार्ट ने, कि मेरे पास क्रोमोसोम है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट है क्रोमोसोम को सीखना। सो इन कमिंग नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्रोमोसोम, और यस, इन्वेस्टिगेशन को भूलना मत, जीन को हमें ढूंढना है। थैंक यू।